मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। सीधे मुद्दे की बात मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। लेकिन खबर क्या है पूरी विस्तार से समझा देता हूं। 17 महीने बाद आपके लिए खुशखबरी आई है, आपके लिए यानी आम आदमी पार्टी के लिए। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में सिसोदिया जेल से रिहा हो गए हैं। सीबीआई और ईडी दोनों केस में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राहत मिली है। वीडियो देखिए, जेल से रिहा हुए तो मनीष सिसोदिया को कैसे कार्यकर्ताओं ने कंधे पर उठा लिया। मंत्री आतिशी, सांसद संजय सिंह भी मनीष सिसोदिया के साथ मौजूद थे। सुना दीजिए मनीष सिसोदिया को जब रिहा हुए तो क्या कह रहे थे, सुनाइए जरा। मेरा रोम रोम बाबा साहब के प्रति ऋणी हो रहा है। एक एक पल मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आज इतने दिनों बाद, इतने वर्षों बाद बाबा साहब के प्रति कर्ज को हम कैसे उतारेंगे। मनीष सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने शराब घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था। सब कुछ बता दे रहा हूँ कब कब क्या हुआ था। गिरफ्तारी के दो दिन बाद यानी 28 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया ने डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद 9 मार्च 2023 को ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। 26 फरवरी 2023 के बाद से ही मनीष सिसोदिया जेल में थे। मनीष सिसोदिया के बेल की खबर जैसे ही आप तक पहुंची, जश्न शुरू हो गया। भाई जश्न तो होगा ही, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले ही जेल में हैं। इससे पहले से डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में रहे, तो अब रिहाई की खबर से आपके नेताओं और समर्थकों को खुशी तो होगी ही। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को जैसे ही मनीष सिसोदिया के जमानत की खबर मिली, भावुक हो गए। वीडियो देखिए, रो रही हैं आतिशी। सोच रही होंगी चलिए कम से कम सरकार चलाने के लिए कोई तो बाहर आया। आतिशी द्वारका के नसीरपुर में एक स्कूल का उद्घाटन करने पहुंची थी, तभी ये खबर मिली और कार्यक्रम में ही भाषण देते हुए रो पड़ी। सुनिए भावुक आतिशी को, सुनाइए जरा। जिनको एक झूठे केस में, जिनको एक झूठे केस में 17 महीने तक अब रोने का समय नहीं है, खुश हो जाइए। खैर, आपकी भावनाओं की इज्जत करता हूं, कदर करता हूं, मैं समझ रहा हूं आप भावुक हैं, आपके साथ ही हैं। मनीष सिसोदिया के बेल की खबर जैसे ही उनके घर पहुंची, लोग एक दूसरे को बधाई देने लगे, मिठाइयां खिलाने लगे। देखिए, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया को पूरे परिवार के लोग मिलकर मिठाई खिला रहे हैं। ये 17 महीने बाद जेल से बाहर आने की खुशी मनाई जा रही है। मनीष सिसोदिया की पत्नी जेल जाने के बाद कई बार अस्पताल में भर्ती हुई, बीमार हो गई। मनीष सिसोदिया को एक बार पुलिस कस्टडी में पत्नी से मिलने के लिए अस्पताल भी ले जाया गया। ऐसे में ये फैसला उनकी पत्नी के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। कोर्ट के इस फैसले से आपके साथ ही विपक्ष भी खुश हैं। सुना दीजिए विपक्ष के लोग क्या कह रहे हैं। क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। माननीय सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने फाइनली आज हमें बेल मिल गई। सच की जीत है। ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचित जो एक तथाकथित शराब घोटाला, उसकी हार है। आज सत्य की जीत हुई है और हम सब लोग सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कर रहे हैं, पूरी दिल्ली धन्यवाद कर रही है कि देर से ही सही एक सही फैसला मिला है। देखिए, ये बहुत बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए भी, जो 17 महीने मनीष सिसोदिया की जिंदगी के बर्बाद हुए उसका हिसाब क्या देश के प्रधानमंत्री देंगे।
देश की सबसे बड़ी अदालत नहीं है। आज जो बातें कही हैं वो बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित होगी। मुझे बहुत खुशी है कि मनीष सिसोदिया जी को बेल मिली है और मैं अब आशा करती हूँ कि दिल्ली सरकार को वो लीड करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। उम्मीद है ये सबको न्याय मिलेगा और खासकर आप पार्टी के जितने नेता जेल में हैं अरविंद केजरीवाल उन्हें भी न्याय मिलेगा। बहुत खुश हैं आम आदमी पार्टी के नेता, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, होना भी चाहिए, मिठाई खिला रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी का खुश होना तो बनता है, लेकिन बीजेपी कह रही है ज़्यादा खुश मत होइए भाई, जमानत मतलब ये नहीं कि आरोपी दोषी नहीं है। सुना दीजिए बीजेपी के नेताओं को क्या कह रहे हैं। बेल ग्रांट होने का मतलब ये नहीं है कि अक्यूज्ड गिल्टी नहीं है, और जो मनीष सिसोदिया बेल पे रिहा जरूर हुए हैं लेकिन जांच अभी चल रही है। जेल गए तो छाती पीट कर करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा को वो किस तरह से खरी खोटी सुना रहे थे, और आज जब बेल मिला है तो वो अपना पीठ थपथपाएंगे। बेल मिलने का मतलब ये नहीं है कि अदालत ने उनको सभी मामलों से मुक्त कर दिया है, ये उनके लिए एक टेम्परेरी राहत है। यूं भी अदालतों के सभी फैसलों का हम स्वागत करते हैं। अभी उनको बेल मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई केस खत्म हो गया है या केस समाप्त हो गया है। जो लोग हमारे न्याय व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाते रहे हैं उनके लिए ये सबक भी है और संदेश भी है। सिसोदिया को बेल मिला है तो अच्छी बात है, वो अभी बाहर आ जाएगी, वो उन्होंने अपना काम करना है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मनीष सिसोदिया की कई बार जमानत याचिका खारिज हुई और अब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। चलिए समझा देता हूं सब कुछ। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने 3 शर्तों पर बेल दी है। पहली शर्त है कि मनीष सिसोदिया ईडी और सीबीआई मामले में 10-10 लाख का बेल बॉन्ड भरें। दूसरी शर्त है कि सिसोदिया अपना पासपोर्ट जमा करें, सबूतों गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। तीसरी शर्त है कि सिसोदिया को हर सोमवार और गुरुवार को नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होगा। ये वो शर्त हैं जो मैं आपको विस्तार से बता रहा था। इस मामले पर वकील क्या कह रहे हैं वो भी सुना दीजिए। वकील क्या कह रहे हैं जरा सुनाइए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत ही हिस्टोरिक जजमेंट दिया है, और उस जजमेंट हिस्टोरिक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर अभियुक्त अगर अंदर है बहुत समय से, उनका इनकार्सरेशन बहुत समय से हो गया है और उनका डिले है ट्रायल के अंदर और ट्रायल समय पे शुरू नहीं हो पा रहा है या कंक्लूड नहीं हो पा रहा है, तो इन ऑल सच केसेस अ पर्सन शुड बी रिलीज्ड ऑन बेल, उनको बेल मिलनी चाहिए। जिस शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया से लेकर अरविंद केजरीवाल के कविता तक जेल पहुंच गई वो है क्या, ये भी समझा लीजिए, समझ लीजिए विस्तार से। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली में नई शराब नीति लागू की गई, सब कुछ विस्तार से बता रहा हूं, देख लीजिए ग्राफिक्स के जरिए सब कुछ आपको विस्तार से बता रहा हूं, आप समझ जाइए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के किसी भी चैनल में आपको ऐसी समझाइश विस्तार से दिखाई नहीं देगी। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में घोटाले का आरोप लगाया। 22 जुलाई 2022 को दिल्ली के एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ईडी ने केस दर्ज कर लिया। सिसोदिया समेत 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसमें मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड सरकारी अफसर, 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। देख लीजिए सब कुछ विस्तार से बता रहा हूं। 19 अगस्त 2022 को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर पहली बार छापेमारी की। 1 सितंबर 2022 को दिल्ली में पुरानी शराब नीति दोबारा लागू कर दी गई। ये वो मसला है जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल भी जेल में हैं और आम आदमी पार्टी के सभी नेता, मतलब जो प्रमुख नेता हैं, वो जेल के चक्कर काट कर लौटे हैं, इसलिए आपको सब कुछ विस्तार से बता रहा हूं। 16 अक्टूबर 2022 को सीबीआई ने पहली बार सिसोदिया से 9 घंटे पूछताछ की। 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। इसी शराब घोटाले मामले में 4 अक्टूबर
2023 को ईडी ने आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया था। ईडी ने इस साल तो बहुत बड़ी कार्रवाई की है शराब घोटाले में। 15 मार्च 2024 को तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता के घर हैदराबाद में छापेमारी की और गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद 9 बार ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन भेजा, पेश नहीं हुए तो 10वां समन लेकर घर पहुंच गई और 21 मार्च को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया। ये वो पूरी टाइमलाइन थी जो आपको दिखाना बताना जरूरी थी। इतने विस्तार से बताना जरूरी है, बहुत जरूरी है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए कौन जुड़ रहे हैं, सीधे हम चलते हैं अमृत तिवारी के पास। छतरी लिए हो गुरु, बारिश हो रही है क्या? और बारिश अगर हो रही है तो बारिश और आपका हाल बाद में जानूंगा, लेकिन पहले आज जो ये आप मुस्कान है आपके चेहरे पर, ऐसी ही मुस्कान आम आदमी पार्टी के नेताओं के चेहरे में है, इसलिए इसी मुस्कान के साथ बता दीजिए क्या देखा, नेताओं से क्या बात हुई और कितनी राहत वाली खबर है आम आदमी पार्टी के लिए। अमृत ज्ञानेन्द्र जी, देखिए मानसून दिल्ली पे मेहरबान है और जस्टिस भी, जो कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि उन पे ऊपर आज मेहरबान हुई है। आज दिन भर जो है आम आदमी पार्टी के नेताओं से मेरी बातचीत होती रही है और उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की है। साथ ही साथ जैसा कि राजनीतिक माहौल है तो उन्होंने सरकार के ऊपर भी हमले बोले। जब मनीष सिसोदिया को जमानत मिली तो उन्होंने कहा कि 17 महीने का जो है ये एक उनके ऊपर जो पहाड़ टूटा था उसमें एक न्याय मिला है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के भीतर ढोल नगाड़े बज रहे थे, तब सौरव भारद्वाज और वहीं पे संजय सिंह पहुंचे और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। उसके बाद मीडिया से अलग अलग मुखातिब हुए थे। इस दौरान उन्होंने एक बात कही थी, वो बात कही थी कि देखिए ये एक प्रेसिडेंस कायम हुआ है, एक परंपरा ऐसी कायम हुई है कि जब कोई अगर तानाशाही दिखाता है तो कहीं ना कहीं न्यायालय से उसे राहत जरूर मिलती है। उनका इशारा साफ तौर पर जो है मोदी सरकार के ऊपर था। और आपको बता दें कि हरियाणा में चुनाव होने हैं, ऐसे में विधानसभा के मोड़ पे डिप्टी सीएम जो कि थे मनीष सिसोदिया, उनका बाहर आना न सिर्फ दिल्ली सरकार बल्कि चुनावी मुहिम को भी धार देगा। अमृत भाई, एक ही सवाल का जवाब। चर्चा ये भी थी क्या कि अब मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ना बन जाए, कहीं चर्चा हो रही थी ऐसी? देखिए इस तरह के सवाल पत्रकारों की तरफ से रखे गए कि सिसोदिया जब बाहर आएंगे जेल से तो उनको जिम्मेदारी क्या दी जाएगी। हालांकि आम आदमी पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता थे और वहां पे मैं भी मौजूद था जब सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह से सवाल जवाब हो रहा था, ऐसे ही व्यक्तिगत बातचीत चल रही थी, तब उन्होंने इस पर कहा कि देखिए अभी उनको बाहर तो आने दीजिए, बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी के जो लीडरान है बैठेंगे, उसके बाद फैसला किएंगे। हालांकि डायरेक्टली सुनिए अमृत भाई, आम आदमी पार्टी के जो लीडरान हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनके चेहरे से भी हवाइयाँ उड़ गई हैं और दुख कितना है, ये दुख का के आंसू हैं या खुशी के आतिशी वाले, इसकी पड़ताल जरूर कीजिएगा। फिलहाल छतरी हटाइए, घर जाइए, मौज कीजिए। बहुत धन्यवाद अमृत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे मुद्दे की बात तो यही है कि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए हैं। आज की बड़ी खबर यही है, इसलिए आपको विस्तार से बताना जरूरी था।